नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपेड इन्फो चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। दोस्तों, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इसी के लिहाज से नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब में जो आपके जीके आते हैं उसमें उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपको जो है वीडियो के नीचे लिंक्स दिए जाते हैं हमारी हर वीडियो में, और वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियोज़ के लिंक भी हैं, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो आपको वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, और आप मुझे कमेंट करेंगे तो भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है ना, नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निर्वाचन या चुनाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पॉलिटिकल प्रोसेस यानी पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है ना, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसी चीज़ को चुनाव कहा जाता है। यानी कि देश में जो नागरिक होते हैं वो चुनते हैं प्रतिनिधियों को। ठीक है, प्रतिनिधि मतलब उम्मीदवारों को चुनते हैं। ठीक है, और वो शासन और प्रशासन दोनों को चलाने में मदद करते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निर्वाचन, यानी उनको कैसे चुना जाता है वही निर्वाचन कहलाता है। दोस्तों, निर्वाचन जो है उसकी दो विधियाँ होती हैं। ठीक है ना, निर्वाचन के दो तरीके होते हैं। ओके, तो जो पहला तरीका है वो है लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में जो है कि दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है वो है बहुलवादी व्यवस्था। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है ये नहीं है कोई पहला तरीका, और जो दूसरा तरीका है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका है बहुलवादी व्यवस्था और दूसरा तरीका है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके, बहुलवादी व्यवस्था क्या होती है कि जो सबसे आगे होता है उसी की जीत मानी जाती है। ठीक है ना, इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक चुनाव हुआ और चुनाव में 100 नागरिक हैं, 100 नागरिक जो है 100 मत देंगे, 100 वोट देंगे, और उसमें 20 लोग खड़े हो गए चुनाव में, 20 उम्मीदवार खड़े हैं एक किसी सीट से, यानी कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा सीट से 20 लोग खड़े हैं और वहाँ पर चुनाव होना निर्वाचन क्षेत्र से। तो मान लीजिए सबको मिले 10, 5, 4, 2, 1 ऐसे, और किसी एक व्यक्ति को मिले, किसी एक उम्मीदवार को मिल गए 15 मत। तो अब क्या हुआ कि इसी को सबसे ज़्यादा मिले हैं, एक व्यक्ति जो था उसको 15 मत मिले हैं, और बाकी सबको 4, 9, 10, 11, 13 ऐसे मिले हैं, तो 15 वाले की जीत मानी जाएगी। अब सोचिए टोटल नागरिक कितने हैं, 100, यानी टोटल वोट 100 पड़ रहे हैं, है ना, 100 वैलिड वोट्स हैं। अब 100 वोटों में 15 वाले की जीत हो गई, जबकि 85 लोगों ने इसको नकार दिया, मना कर दिया, फिर भी 15 वाले की जीत हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितनी बड़ी कमी है इस प्रोसेस की, इस सिस्टम की, यानी बहुलवादी व्यवस्था की, जो सबसे आगे होगा उसी की जीत मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 50% वोट प्राप्त करना कंडीशन नहीं होती है। ठीक है ना, ये बहुलवादी व्यवस्था में है, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते, ये चुनाव प्रणाली है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ओके, तो चलिए बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व की। तो दोस्तों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है ये थोड़ा सा अलग है इससे, थोड़ा क्यों, बहुत अलग यूँ कहिए। यहाँ पर प्रतिनिधि को जीतने के लिए, यहाँ पर पहली बात तो कि प्रतिनिधि को चुनाव नहीं लड़ता है, यानी किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाता है, वोट दिया जाता है पूरे की पूरी पार्टी को। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे देखिए इसराइल में, नीदरलैंड में, अर्जेंटीना में, पुर्तगाल में, इन सभी जगहों पर, इन सभी देशों में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है, अपनाया गया है तो इसराइल, नीदरलैंड, इन चारों में, लेकिन थोड़ा अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ का जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है वहाँ पे क्या है कि पूरा देश एक चुनाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होंगी, ठीक है ना, यहाँ पे भी, लेकिन पूरा देश एक चुनाव क्षेत्र माना जाएगा, और जिस पार्टी को 50% से अधिक मत मिलेंगे वो पार्टी जीत जाएगी चुनाव, और सरकार उसी की बनेगी, 50% + 1। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। मतलब यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत प्राप्त करने के लिए 50% + 1 यानी कि 50% से ज़्यादा मत चाहिए, जबकि यहाँ पे बहुलवादी व्यवस्था में जो जीत, जो सबसे आगे वही जीत प्रणाली में 50% की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो बस आप ले आइए किसी तरह सबसे ज़्यादा, जैसे 15 वाला भी जीत गया था, है ना, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुमत मिलेगा 50% से ज़्यादा वाले पार्टी को। तो इस
प्रक्रिया में पूरा देश एक चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है। इजराइल और नीदरलैंड की प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और राष्ट्रीय पार्टी को प्राप्त वोटों के आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पार्टी को वोट दिया जाता है। तो मान लीजिए किसी पार्टी को मिल गए 60% वोट, ठीक है ना, 60% वोट मिल गए, तो अब क्या होगा उसको, अगर मान लीजिए पूरे इस पूरे देश में अगर 100 सीटें हैं, ठीक है, तो उसमें से 60 सीटें मिल जाएंगी इस पार्टी को जो भी 60% वोट प्राप्त की होगी, ठीक है। इस प्रकार से वो बहुमत में आ गई और उसकी सरकार बनेगी, ओके। तो ये तो इसराइल और नीदरलैंड की प्रक्रिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ अर्जेंटीना और पुर्तगाल में इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कैसे अपनाया गया। ये दूसरा तरीका है कि पूरे देश को ना कई राज्यों में बांट लिया गया, या फिर यूँ कहें कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया गया, ठीक है। और हर निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है ना, कुछ उम्मीदवारों की ना सूची जारी कर दी जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें चाहे इसमें उम्मीदवारों की ना सूची जारी की जाती है। सूची मतलब कि मान लीजिए 10 लोगों को हमें चुनना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 10 लोग जो चुनने हैं हमें किसी किसी क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से, तो हम वहाँ के लिए हमने मान लो 20 लोग चुन लिए, मतलब मैंने अपनी पार्टी के 20 लोगों को चुना और मैंने जनता को ये बताया कि अगर हम यहाँ चुनाव जीतेंगे या फिर हम यहाँ पर चुनाव जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो 20 लोग हैं ना, मतलब 10 सीटें हैं, हमने 20 ऑप्शन दे दिए कि इन 20 लोगों में से हम 10 लोगों को चुनेंगे अगर हमारी जीत हुई तो। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 10 सीटें हैं वो सब एक ही पार्टी को मिल जाएगी, भाई अलग अलग वोट मिलेंगे, सबको मिलेंगे और प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं। तो मान लीजिए किसी पार्टी को मिल गए अगर इसमें भी 60% वोट, ठीक है, तो उस पार्टी को कितने 6 सदस्य यहाँ से नियुक्त कर दिए जाएंगे। अब वो 6 सदस्य इस 20 जो मैंने लिस्ट जारी की होगी ना, या पार्टी ने जो लिस्ट जारी की होगी, जो 20 सदस्य होगी कि इसमें से हम चुनेंगे 6, तो ये जो 6 है इसी में से चुने जाएंगे, इस 20 वाले में से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी प्रत्येक पार्टी ना कुछ सदस्यों की लिस्ट जारी कर देती है कि अगर हम जीते तो हम इन्हीं लोगों में से चुनेंगे इनको, ठीक है ना। तो 20 लोगों की लिस्ट जारी कर दी, उसमें से 6 को चुन लिया, ठीक है ना, बता दिया जनता को कि हम इन लोगों में से चुनेंगे अपने नेता, ठीक है। और फिर वो चेहरा उनके सामने रखते हैं, कोई एक चेहरा नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। तो इसलिए पूरी पार्टी को जितना वोट मिलता है उसके प्रतिशत के आधार पर उनको सीटें मिल जाती हैं, और सीटों के लिए सदस्य जो होते हैं, जो उन्होंने प्राथमिक, इसे प्राथमिक सूची बोलेंगे, जो उन्होंने प्राथमिक सूची जारी की होती है अपने उम्मीदवारों की, उसी में से वो 6 लोग चुन लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा देश बहुसदस्यीय क्षेत्र में बढ़ जाता है निर्वाचन क्षेत्र में, और हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग अलग उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। अब अलग अलग उम्मीदवार ही मत सोचिए कि एक एक उम्मीदवार, मतलब ऐसे ही लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है ना, कुछ समूहों में। तो चलिए अब विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है और जो सबसे अधिक मत वही जीत प्रणाली में क्या अंतर है। तो ये वाली जो प्रणाली है सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली प्रणाली की जीत, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर पूरे देश को कई छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, किसमें, जो सबसे आगे वही जीत वाले चुनाव प्रणाली की व्यवस्था में। और यहाँ पर किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान सकते हैं, जैसा कि इसराइल और नीदरलैंड में है। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है ना, मतलब ये कहाँ की व्यवस्था है, जैसे हमारे भारत में होता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ओके। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक चुनाव क्षेत्र से बहुत सारे कैसे चुने जाएंगे, तो भाई यहाँ पे तो पूरा देश ही एक चुनाव क्षेत्र है ना, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पूरा देश ही एक चुनाव क्षेत्र है, तो पूरे देश से बहुत सारे सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, ठीक है, कहाँ पर सबसे अधिक मत प्राप्त करने से जीतने वाली प्रणाली में मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर मतदाता पार्टी को वोट देता है, किसको वोट देता है, पार्टी को, ओके। यहाँ पर विजय उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि 50% प्लस में एक वोट, यानी 50% से ज़्यादा वोट मिले, ठीक है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि 15 वोट वाला अभी जीत के सीट जीत जाएगा, ठीक है ना, भले उसे 50 वोट ना मिले हो, 50% वोट ना मिले हो, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा देश भारत है और ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन से तो हमने लिए उधार ये प्रणाली यानी वो हमारे यहाँ शासन करके गए तो हमने उनकी इस प्रणाली को ले लिया, हमें अच्छी लगी इसीलिए। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि विजय उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल करना होता है। अब वो बहुमत क्या है, यही कि 50% प्लस में 1, या फिर यूँ कहें 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं, भले एक वोट अधिक हो, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे इसराइल है और नीदरलैंड है,
इन देशों में ऐसे ही चुनाव होता है कि अगर बहुमत नहीं मिलेगा पार्टी को, ठीक है, तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। अब आप ये सोचेंगे कि भाई यहाँ तो बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियाँ मिलके सरकार बना लेती हैं। यहाँ भी वैसे ही होता है, अगर किसी पार्टी को 60% वोट मिले हैं और वहीं किसी पार्टी को 30% वोट मिले, 60 या 40 मान लीजिए, 40% वोट मिले हैं, किसी पार्टी को 30% वोट मिले, किसी पार्टी को 20% वोट मिले, ठीक है, और किसी पार्टी को 10% वोट मिले, तो अब चुनाव के लिए यहाँ पे सरकार बनाने के लिए क्या है? अगर आप ध्यान से जो मैंने बताया, अगर आपने समझा हो, तो भाई यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व में तो 50% वोट चाहिए, है ना, 50% प्लस में वन, यानी 50% से ज़्यादा वोट चाहिए हमें। अब 50% से ज़्यादा वोट तो मिले नहीं, तो अब हम कैसे सरकार बनाएंगे? क्योंकि संविधान में भी लिखा है कि 50% से ज़्यादा वोट वाली सरकार बनाएंगे। तो अब यहाँ पे कैसा गठबंधन होता है, देखिए, 40% वाला क्या करेगा, इसमें से, इसमें से या इसमें से किसी को भी बुला लेगा। अगर वो 50-10% वाले को बुलाएगा तब तो उसके 85% होंगे, उससे ज़्यादा चाहिए, तो ये फिर इससे नहीं बुलाएगा। अब वो इन दोनों में से किसी एक को बुला सकता है अपने साथ। तो मान लीजिए उसने बोला कि आप आ जाइए, तो अब क्या हुआ, 40+ में यानी 20, यानी कि 40+ में 20 हो गया आपका 60% वोट। अब ये बहुमत में आ गए, तो यहाँ भी गठबंधन की सरकार बन रही है, देख लीजिए कैसे बन रही है, यहाँ भी गठबंधन की ही सरकार बनी, ठीक है ना, आई बात समझ में। और यहाँ भी गठबंधन की सरकार है, हमारे यहाँ तो भाई सीटें देखी जाती हैं, ठीक है, तो गठबंधन की सरकार आई। होप कि आपको समानुपातिक चुनाव प्रणाली में भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं आगे और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और अगले टॉपिक में देखते हैं कि आपको क्या समझा सकता हूँ मैं। तो अब हमें परिसीमन आयोग के बारे में सीखना है। किसके बारे में? परिसीमन आयोग। दोस्तों, जो परिसीमन आयोग है, ये एक ऐसा आयोग है जो, अब देखिए चींटी भी पढ़ने आ गई यहाँ पे चलो भाई, चलो चलो उधर चलो। तो यहाँ पर परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है, पहले हम ये बता दें आपको कि इसका गठन कैसे होता है, कैसे कैसे इसे नियुक्त किया जाता है। तो परिसीमन आयोग जो है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, और एक बात और याद रखें कि परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन होता है, यानी परिसीमन आयोग जो है वो परिसीमन अधिनियम बनाए भारत, वो भारतीय संविधान में, उसके अंतर्गत ये, ठीक है ना, इसकी स्थापना होती है। और इसके जो मुख्य कार्य हैं वो समझ लीजिए। देखिए, हमारे देश में हर 10 साल पे जनगणना होती है और हर बार जो है जनसंख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में यानी कि जनसंख्या के आधार पे, जनगणना के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभा, ठीक है, के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, सीमा निर्धारण करना। देखिए क्या होता है, हर बार जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या के आधार पे एक लोकसभा या विधानसभा सीट की परिसीमा तय की जाती है, यानी कि सीमा तय की जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक एक जो है विधानसभा होगी। और एक, अब हो सकता है मान लीजिए 10 सालों में एक ही क्षेत्र में जनसंख्या दुगनी हो गई हो, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक जनसंख्या उस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है ना, उस निर्वाचन क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाएगा। ओके, तो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करना भी इनका, हाँ ठीक है, तो वो चीज़ थी। अब दूसरा काम इनका होता है निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करना, एक तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, कि जहाँ से इन्हें लगता है कि यहाँ से इनका प्रतिनिधित्व तो कम हो रहा है और वहाँ उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो वैसे क्षेत्र में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए वो क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाता है। आज चींटियों का कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा है पढ़ने का, चलो बेटा उधर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, कि महिलाओं के लिए आरक्षण की भी, ठीक है, व्यवस्था परिसीमन आयोग ही करता है कि कहाँ से सीट आरक्षित होगी। इसका मतलब समझे दोस्तों, कि सीट आरक्षित का मतलब ये है कि हमने ना थोड़ा अलग टाइप का लिया है। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि उन्होंने जो सीट आरक्षण की थी, वो क्या करते थे कि ये कह देते थे कि यहाँ से अगर मुस्लिम चुनाव लड़ेगा तो बस मुस्लिम ही वोट देंगे। लेकिन हमने थोड़ा अलग किया, जो आरक्षित सीट है उसका हमने थोड़ा सा प्रोसीजर अलग कर दिया। हमने सीट आरक्षित कर दी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग ही खड़े हो सकते हैं उस सीट पर, लेकिन उन्हें वोट कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। ये नहीं जरूरी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले देंगे, उन्हें कोई भी किसी भी जाति का किसी भी धर्म का व्यक्ति वोट दे सकता है, ठीक है, जो वोट देने योग्य है। ओके, तो चलिए बात करते हैं भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव प्रणाली का तीसरा तरीका। दो तरीकों पे हमने विचार कर लिया, जो कि एक नीदरलैंड और इजराइल में थी, और दूसरी अर्जेंटीना और, ठीक है, अर्जेंटीना में थी और पुर्तगाल में थी, तो वो दोनों अलग अलग। अब भारत में देखिए, भारत में भी ऐसा नहीं कि भारत में चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई गई समानुपातिक प्रतिनिधित्व की। समानुपातिक प्रतिनिधित्व तो भारत में भी अपनाया गया है, लेकिन अब भारत में प्रत्यक्ष तौर से नहीं है, यानी कि लोगों के बीच नहीं है, ये राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं ना उसमें अपनाई गई है, ठीक
ठीक है। और हमारे यहाँ थोड़ी कठिन प्रणाली है, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व का तीसरा तरीका देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे तीसरा स्वरूप, ठीक है। तो राष्ट्रपति, अब देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हमारे देश में किन किन लोगों का चुनाव होता है या किन किन संस्थाओं का चुनाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के उपसभापति और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हमारे यहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, ठीक है। आइए बात समझ में। और हमारे देश में इस व्यवस्था को, ठीक है, ये जो तरीका है, इस तरीके को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, तो आप ये बताएंगे कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। और इस प्रक्रिया को जो जो इसमें प्रक्रिया फॉलो की जाती है या फिर जो प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है इसको मैं आपको विस्तार समझाता हूँ, जरा टेंशन मत लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, दोबारा समझा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो राज्य होता है, राज्य के विधायक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हमारे यहाँ पर चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में, जिसमें राज्यसभा और कई लोगों का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें राज्य के विधायक मतदाता होते हैं, ना कि राज्य के मतदाता, जो हम आम लोग होते हैं वो नहीं होते, बल्कि राज्य के विधायक इसमें मतदाता होते हैं, ठीक है। और मैं आपको समझा देता हूँ इसमें चुनाव कैसे होता है। तो पहली बात तो ये कि निश्चित सीटें होती हैं हर राज्य की, राज्यसभा के लिए ना हर राज्य की निश्चित सीटें होती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको मालूम, मान लीजिए कोई कोई जो है, मतलब कैसे समझेंगे इस चीज़ को, तो इसे आराम से समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, एक्स कोई राज्य है और उस राज्य में कुल विधायकों की जो संख्या है वो है 200, कितनी 200, ठीक है। और उस राज्य में मान लीजिए कि चार राज्यसभा सांसद चुने जाने सिर्फ, और कुल विधायक कितने हैं 200। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कैसे तय होती है वो समझिए जरा। यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बताया, तो कैसे चुना जाएगा, मतलब कैसे समझा जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 200 सदस्य हैं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 200 सदस्य हैं और चार लोगों को चुनना है तो कैसे चुनोगे, तो आप सिंपल सी बातें बताओगे कि भाई 50-50 विधायक चुन लेंगे तो एक एक सांसद चुन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एक बार ध्यान रखिएगा कि हमें चुनने हैं चार सांसद, राज्यसभा सांसद, और इसमें हमारे पास 200 विधायक हैं, तो अगर हम 50-50 सबको दे दे वोट तो सब जीत जाएंगे भाई, सब चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या किया गया है कि एक फॉर्मूला अपनाया गया है कि कुल मतदान, कुल मतदान का मतलब है जितने भी विधायक हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उनको गिना जाएगा, ठीक, कुल मतदान बटे में कुल विजयी उम्मीदवार। कुल विजयी उम्मीदवार का मतलब है कि यहाँ जीतने वाले कितने उम्मीदवार होंगे, चार, तो इनकी संख्या लेनी है, तो कुल विजयी उम्मीदवार और प्लस में वन भी करना है इसमें, ठीक है, और बाहर से प्लस में वन अलग से जोड़ना है, ठीक है। तो जितना आएगा उतने उम्मीदवार, उतने विधायक जो है या फिर उतने मतदाता मत देंगे, क्योंकि यहाँ विधायक मतदाता है तो इसलिए विधायक उतने वोट देंगे। अब देखिए टोटल कितने विधायक थे, 200, और चार चुने जाने हैं, जीतेंगे चार लोग, उसमें एक जोड़ दीजिए तो हो गया 5। तो यहाँ पर 200 बटे में 5, अब 5 से भाग दीजिए 200 में, तो कितना आएगा, यह आएगा 40, और प्लस में जो फॉर्मूला में 1 लिखा हुआ है उस प्लस को 1 कर दीजिए, तो टोटल कितना आ गया 41, यानी कि 41। तो 200 सीटों में, यानी 200 विधायकों में, सॉरी 200 विधायकों में चार सीटें चुननी है हमें, तो अगर किसी को भी 41 मत मिल जाते हैं, यानी किसी भी अगर उम्मीदवार को 41 मत मिल जाएंगे तो राज्यसभा का सांसद बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, अभी मत सोचिएगा कि 41 वोट मिलेंगे तभी वो जीतेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ के लिए कि 200 विधायक है, तो ये फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कहीं भी, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उस राज्य में जितने सदस्य होंगे और जितने विधायक होंगे, उससे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एक ऐसा अधिकार जिसको जब दिया गया भारत को
तो दुनिया ये कह रही थी कि ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण जो है कि निर्णय लिया गया है, क्योंकि जिस समय भारत में सार्वभौम मताधिकार वयस्क मताधिकार दिया गया उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी सार्वभौम मताधिकार नहीं था, यानी कुछ एक ही देशों में था, और जहाँ था भी वहाँ महिलाओं को पहले तो बहुत कम देशों में था, और महिलाओं को जो है अभी जूझना पड़ रहा था, ठीक है ना, इस अधिकार के लिए। लेकिन भारत ने सबको मताधिकार देकर, महिला हो स्त्री हो पुरुष, ठीक है, स्त्री पुरुष हो कोई महिला, स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, ठीक, किसी भी धर्म जाति वर्ग का हो, उन सबको जो है मतदान का अधिकार दिया गया, तो इसी को हम कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, वयस्क लगा लीजिएगा, नया छोड़ दिया। अब हमारे देश में जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की सीमा है वो थी 21 वर्ष, कम से कम कितनी थी, 21 वर्ष। प्रारंभ में जब संविधान बना और जब पहली बार चुनाव हुए तो संविधान में लिखा गया था 21 वर्ष न्यूनतम आयु होगी, लेकिन 1989 में संविधान में संशोधन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संविधान में संशोधन, और 21 वर्ष की जो आयु है उसको 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि जिनकी आयु 18 वर्ष है वो जो है वोट कर सकते हैं, मतदान का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी संबंधित एक और आंकड़ा जो छोटा सा मेरे माइंड में आया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि हम देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को तो चुनते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखा है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा भी आप लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर जो उम्र होती है 25 वर्ष, यानी लोकसभा राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और चुनाव में वोट देने के लिए कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। अब कब से, 1989 के बाद से, ठीक है, जब संविधान संशोधन कर दिया गया। ओके, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया है वहाँ पर अपनी बात को कहें आप, मैं आपको जो भी बन पड़ेगा जरूर आपके लिए सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। अब आप सभी जानते हैं कि चुनाव जब होता है तो निर्वाचन आयोग बहुत ही सख्त तरीके से जो है कि कार्य करता है ताकि जो चुनाव है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। तो दोस्तों चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग बोलिए इसे या चुनाव आयोग बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो 1989 तक पहले हम इसको बात करते हैं कि इसका कैसे इसका गठन हुआ। ठीक है, पहले ये बात करेंगे, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था का मतलब ये है कि इसको, इसका जो निर्माण है संविधान में लिखित तौर पर पहले दे दिया गया है, और संवैधानिक संस्था इसलिए कहलाती है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कैसे कैसे चुनाव ये करवाएंगे, कैसे इनके इनके सदस्यों की संख्या, मतलब जो भी इसकी प्रक्रिया है सब अधिकार संविधान में इसके लिखे हुए हैं। तो इसके विवरण जो है विस्तार से लिखे हुए हैं अनुच्छेद 324 में। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। ओके, और आपको मैं बता दूँ कि इसमें कितने, इसमें एक ना मुख्य चुनाव होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहिए या मुख्य चुनाव आयुक्त कहिए, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग का कार्य होता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना देश में। ठीक है, और इसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है, और ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, वो भी चुनाव के समय से। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है ना, उसके साथ ही दो अन्य सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये दो अन्य सदस्य पहले नहीं थे, ठीक है ना, आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि 1989 तक, ठीक है, चुनाव आयोग में एक ही सदस्य होता था, लेकिन 1989 के बाद से चुनाव आयोग में, ठीक है ना, 1989 का चुनाव था उससे ठीक पहले चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय कर दिया गया। बहुसदस्यीय का मतलब उसमें कई और सदस्य सम्मिलित कर दिए गए, लेकिन तुरंत बाद चुनाव होने के, 89 के चुनाव होने के तुरंत बाद फिर उसको एक सदस्यीय कर दिया गया, बाकी दो सदस्यों को हटा दिया गया। लेकिन 1993 के बाद, 1993 में, ठीक है, या यूं कहें 1993 के बाद चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय कर दिया गया, और तब से लेकर आज तक ये तीन सदस्यीय बना हुआ है। कब से, 1993 से। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं, यहाँ जो मैंने शक्तियाँ लिखी हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की और दो अन्य सदस्यों की, उनकी एक समान होती है तीनों की। ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा निर्भर नहीं करता है कि जो अध्यक्ष है या जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो उसके कहने दोनों मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तीनों की बराबर शक्ति होती है। तो ये जो निर्वाचन आयोग होता है, यानी जो निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है,
वो कैसे कार्य करता है। तो राज्य में भी जो है कि राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त की मदद करते हैं कार्यों में, ठीक है, वो राज्य का सारा कार्यभार संभालते हैं और राज्य में निर्वाचन के कार्यों की देखरेख करते हैं, ठीक है, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी या फिर राज्य चुनाव अधिकारी। ओके, अब देखिए मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का क्या कार्य है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सॉरी पहले हम वो करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे हुई, ठीक है, सॉरी सर, तो चलिए ऊपर करता, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सलाह कौन देता है, मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल ही चुनेगा किसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाना है और इसका जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है ना, कि सरकार पे दबाव ना हो, अगर 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो दबाव ना बना पाए उस पर, ठीक है, क्योंकि उसका 1 वर्ष का और कार्यकाल रहेगा, ठीक है, तो 65 वर्ष हो उम्र या फिर 6 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ठीक है ना, तभी रिटायरमेंट हो जाती है इनकी, इनका कार्यकाल पूरा माना जाता है, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग का जो जो नियुक्ति है इसकी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष उम्र, दोनों जो भी पूरी हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि समय से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाना, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। समय से पहले आप नहीं हटा सकते मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है ना, क्यों नहीं हटा सकते भाई, अगर हटा दिया जाएगा तो निर्वाचन आयोग अपना काम कैसे करेगा ईमानदारी से और बिना किसी रोक टोक के। तो इसीलिए संविधान से उसको ये अधिकार दिया गया है कि समय से पहले उसको हटाने की प्रक्रिया को बहुत कठिन बनाया गया है ताकि कोई समस्या ना हो निर्वाचन आयुक्त के सामने कार्य करने में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या है, तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। पहली बात तो ये कि संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत होना चाहिए तभी राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। यानी विशेष बहुमत का बिल पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाएंगे तो इसको हटा दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब विशेष बहुमत क्या होता है तो उसे समझ लीजिए, कई बार जो है छात्र कन्फ्यूज हो जाते कि विशेष बहुमत क्या है, सर ने तो बोल दिया विशेष बहुमत। तो देखिए विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भाग। 2/3 भाग का मतलब यूं समझ लीजिए कि कुल मिला के 100 लोग, मान लीजिए कि कुल जो है 100 लोग हैं, कितने लोग हैं 100 लोग, ठीक है, लेकिन उपस्थित हुए 90, कुल सदस्य 100 हैं लेकिन उसमें 90 ही उपस्थित हुए, तो वोट भी करने वाले और 90 के 90 ने वोट किया, ठीक है ना, मतलब सभी ने वोट किया, तो अब 90 में से इसका आप निकालेंगे कितने परसेंट, 2/3। 2/3 का मतलब है 2/3, और जब 90% का 2/3 निकालेंगे तो आपका आएगा 60, ठीक है ना, ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, ठीक है, तो ये आगे बढ़ाया जाता है, भेजा जाता है, तो विशेष बहुमत इसे कहते हैं, ठीक है। या फिर और क्या होगा, सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। तो भाई कुल सदस्य संख्या जब सारे सदस्य उपस्थित होंगे तभी, यानी कि कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ पे 543 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मतलब कि 272+1 या इससे ज़्यादा हो सकता है, 272+1 273, इससे ज़्यादा अगर बहुमत मिलेगा तो उसको हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो ये विशेष बहुमत कहलाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए हमने देखा भी कि निर्वाचन आयोग को हटाना बहुत ही कठिन है, ठीक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरह ही भारत के निर्वाचन आयोग को हटाना मुश्किल ही नहीं, लगभग लगभग नामुमकिन है, ठीक है, नामुमकिन मतलब ये नहीं कि अब हटा ही नहीं सकते, मैंने बता दिया कि हटा सकते हैं लेकिन ये जो प्रक्रिया है उतनी कठिन बनाई गई है कि उसको हटाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, ठीक है, और ऐसा कभी हुआ तो नहीं है भारत में और मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सारे जितने निर्वाचन आयोग होते हैं वो निर्वाचित होने के बाद बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। तो अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, कि कौन कौन से कार्य निर्वाचन आयोग करता है। तो आप तो सभी जानते हैं कि सबसे पहला जो कार्य है वो क्या है, ईमानदारी से यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्य है वो तो हो ही गया। उसके बाद ही क्या करते हैं कि मतदाता सूची तैयार करते हैं, ठीक है, चुनाव का समय और पूरा कार्यक्रम तय करते हैं कि चुनाव कितने, ठीक है ना, कब कब होगा, कितने चरणों में होगा और किस दिन इसकी गणना की जाएगी, किस दिन जो है कि पत्र बांटे जाएंगे जीत के, ठीक है, तो ये सारी जो व्यवस्था है और जो इस सब की जो है सूचना है और निर्धारण है, सब कुछ जो है कि कार्यक्रम का निर्धारण चुनाव का
चुनाव आयोग करता है या निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ आपको बता ही दिया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, ठीक है, निर्णय लेना और किसी निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान कराना, ठीक है। पुनः चुनाव मतलब कि दोबारा से अगर चुनाव कराने, मान लीजिए निर्वाचन आयुक्त को ये लगता है कि भाई किसी निर्वाचन क्षेत्र में जो है कि जो चुनाव है कुछ धांधली हुई है या कोई समस्या है, तो फिर वो दोबारा से वहाँ पर चुनाव कराने का निर्णय ले सकता है, ठीक है। और राजनीतिक दलों को मान्यता देता है चुनाव आयोग, चुनाव या फिर निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयुक्त या फिर निर्वाचन आयोग, ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि हाँ ये मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, ठीक है, या फिर राजनीतिक दल है। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह बांटता है कि किसको क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा, ठीक है ना, वो चुनाव आयोग ही आवंटित करता है। ओके, तो दोस्तों चैप्टर काफ़ी लंबा रहा लेकिन आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। आइए चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अंतिम टॉपिक है और वो है चुनाव सुधार। देखिए पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, इतना अच्छा चैप्टर है, इतनी अच्छी तरह से आपके लिए बनाए गए हैं, नोट्स बनाए गए हैं और फिर आपको समझाया जा रहा है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, नीचे जो है कि लिंक भी दिए और वीडियो के लास्ट में भी जो है कि मैंने लिंक डाल रखे हैं, ठीक है ना, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर लिंक दिया गया है। तो देखिए चुनाव सुधार की अभी ज़रूरत है, कौन कौन चुनाव सुधार किए जाने चाहिए, तो उसकी हमने कुछ सूची बनाई है यहाँ पर कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा भी कि कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितनी बड़ी सीमा है इस सबसे अधिक मत प्रणाली से जीत की प्रणाली का। कैसे, कि मैंने आपको बताया ना कि 15 वोट वाला भी क्या हुआ, जीत गया, 100 वोटों में से 15 वोट वाला जीत गया, ठीक है, ये तो सबका प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रहा है, सब कर रहा है, वो तो 15 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है लेकिन फिर भी उस है ना, ये एक प्रॉब्लम है, समस्या है, इसलिए कहा गया इसको बदला जाए। ओहो, ओ तेरी की।